अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब मौजूद है शादमान टाउन कामरान मेडिकल पे और सड़क की तामीर का काम यहाँ पे जारी है। अच्छा, दिखाना बस ये था कि ये आप देख रहे हैं, ये गरीब से आए साहब हैं और ये इसके ऊपर ना कपड़ा लेके कुछ लगा रहे होते हैं, डीजल या जो भी वॉट एवर तेल वगैरह पैरों पे इसके। और इसी तरह इस वाले रोलर के साथ भी एक ये बूढ़े से साहब खड़े हैं, ये चल रहे, ये कपड़ा इनके हाथ में और ये इसमें भी लगा रहे होते हैं। कहना यह कि हुकूमत वक्त जो है वो इन लोगों के लिए कुछ करती क्यों नहीं है, हमारे MP MLA कभी इनके लिए कोई बात करते क्यों नहीं है, असेंबली में इन लोगों के लिए बात होती क्यों नहीं है। असल में मैंने अभी इनसे दरियाफ्त किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो इस रोलरों के साथ जो लोग चल रहे हैं ना, इनकी जो सारा दिन ये सुबह 8 बजे से शुरू हुए हैं और इस पूरी सड़क के बनाने में ये इसके साथ वो देखें वो उसके साथ चल रहे हैं, छोटे वाले रोलर के साथ भी चल रहे हैं एक साथ, ये जो इनके साथ चल रहे हैं ये सारे दिन ये लगाने के बाद 1500 रुपये लेके घर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कितनी ज्यादती है इस महंगाई के दौर में है। और ये आप इनकी उम्रें देखें, कितने बूढ़े हैं ये। हमारे मुल्क पे चाइल्ड लेबर तो है, ओल्ड लेबर कोई कानून मौजूद नहीं है कि, यानी इतने ज़ईफ लोग बेचारे यार क्या करेंगे, ये 1500 रुपये ले जाके क्या उखाड़ लेंगे उसके बाद ज़िंदगी में यार, और कोई उनके बारे में सोचने वाला बोलने वाला मौजूद ही नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वो कौमें इसीलिए तरक्की कर गई जो अपने बूढ़े लोगों का ख्याल करते हैं, और हम अपने बूढ़े लोगों का कोई ख्याल नहीं कर रहे ना, इसलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे। बल्कि एक छोटी सी बात थी जो मेरे जहन में आई और मैंने सोचा कि इसमें वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने बना ली। सैयद ज़ीशान को दुआओं में याद रखिएगा, फिर किसी या किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।